ये मैं एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल बना रहा हूं ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ मॉड 7। मतलब क्या है इसका, कि 7 से डिवाइड करने पर ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा। ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर है। मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक वो वर्किंग दिखा रहा हूँ, राइट। जैसे ऐसे ही देखना, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4 5 6, 2 × 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 8 दैट इज 1, 10 मीन्स 3, 12 मीन्स 5, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 4 12, 5 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 18 मतलब 4 बचेगा, राइट। नाउ 4 1 4, 4 2 8, 12, 12 का मतलब 5 बचेगा, राइट। 4 16, 2 बचेगा, 20 का मतलब 6 बच रहा है, 24 का मतलब 3 बच रहा है, राइट। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 20 25, 2 एंड द लास्ट वन 6 6 12, 12 का मतलब हो गया 5, 18 का मतलब 4 हो गया, 24, 30 का मतलब 2 हो गया, 36 का मतलब 1 हो गया। आप में से कोई ये पैटर्न को कुछ बता पाएगा, क्या हुआ, क्या चीज इससे मिल रहा है या क्या है, या आप वेट कर सकते हो, मैं एक और पैटर्न इसमें बता सकता हूँ आपको, हाँ एक और पैटर्न दिखा सकता हूँ इनफैक्ट, राइट। दिस इज वन ऑफ द पैटर्न, राइट, दिस इज वन ऑफ द पैटर्न। अब एक और पैटर्न, ये मॉड्यूल 7 के लिए था कि 7 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आ रहा है। इस बार थोड़ा सा छोटा नंबर लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो मॉड्यूल 6 लेता हूँ। मॉड्यूलस 6 का मतलब है कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए ही काम कर रहा हूँ, राइट। इधर भी उसी तरह से नंबर मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5, राइट। और देखते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। टू मॉड्यूलो 6 है कि 5 है? 6 है, 6 लिखा ना यहाँ पे, 4, राइट। 6 है तो 1 है, 4 2 8, 8 का मतलब हो गया 6 से डिवाइड करूंगा, 2 बच रहा है, 10, 10 का मतलब हो गया, 10 को 6 से डिवाइड, 0 है ना, 2 3 6, हाँ ये 0 चला गया, ठीक है। तो इसमें देखो, 3 1 3, 3 2 6, 0 चला गया, 9 का मतलब फिर 3 आ गया, 12 का मतलब 0 चला गया, 15 का मतलब 3 चला गया, राइट। 4 1 4, राइट, 4 2 8, 12 16, राइट, 4 4 16, राइट। तो ये 2 यहाँ भी चला जाएगा, 4 20 20, ये भी वैसा ही कुछ चला गया, नहीं मतलब यहाँ पर पैटर्न अगर आप देख रहे हो और वो पैटर्न जो आपने देखा था, दोनों पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, राइट। इस पैटर्न में आपको क्या नजर आ रहा है ये बताएं, राइट। वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, क्योंकि मैं ना डिवाइस ये यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक उसी पे ले रहा हूँ कुछ जूम का गड़बड़ हो गया है मेरे मैक में, राइट। आई एम ट्राइंग, हाँ तो वन बाय वन प्लीज सर। कुछ ऐसा है कि थर्ड और फोर्थ रो के जो भी नंबर्स है जस्ट ऑपोजिट है, 2 और 5 का रिवर्स, 1 और 6 भी रिवर्स ही है। नॉट बैड, और कोई
हाँ सर, एक और ही क्योंकि वो सेम रिमाइंडर्स हर एक रो में आ रहे हैं। मतलब ये है कि हर एक रो में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो सेकंड वाले में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है, थर्ड में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है, फोर्थ में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है, एंड अगेन एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग द सेम रिमाइंडर आपको मिलते जा रहे हैं, राइट। ये 7 के साथ ये पॉसिबल हुआ, लेकिन 6 के साथ ये पॉसिबल नहीं हुआ, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर, राइट। प्राइम नंबर ऑब्वियसली ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर की ये बहुत अच्छी सी एक क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये मल्टीप्लिकेटिव करने के बाद पे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पे जो रिमाइंडर बचता है वो सेम रेसिड्यू, ये सब वर्ड यूज ना करते हुए मैं ये बोलूं कि आपको रिमाइंडर हमेशा वो पूरे के पूरे मिलते जाएंगे जिसकी आपको जरूरत है, राइट। पूरे के पूरे मिलते जाएंगे जितने जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जितने पॉसिबल नंबर हैं मॉड्यूलो के, मतलब डिवाइड करने के, वो पूरे के पूरे आपको सेम रेसिड्यू हमेशा मिलता जाएगा 1 से 6 तक में। कोई दो नंबर सेम रिमाइंडर कभी भी नहीं देगा। इज इट ओके? यस सर। कोई कंफ्यूजन डाउट, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? तो ये सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स के लिए ऐसा मतलब पैटर्न ऑब्जर्व कहाँ से हुआ? मतलब ऑड प्राइम नंबर के लिए बेटा होता क्या है ना कि ये थोड़ा सा हम लोग चले जाएंगे उसमें, आप मेरे को छेड़ रहे हो, राइट। होता क्या है कि जो भी सॉल्यूशन होता है ना, ए एक्स इज 1 मॉड पी, राइट। ए इंटू एक्स जो है वो कॉन्ग्रेंस टू 1 होता है मॉड पी, राइट। ये तब के लिए पॉसिबल होता है जब ए पी का जीसीडी जो होता है वो 1 होता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। वो कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है? अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? आज पूरा तुम लोग नंबर समाज पढ़ोगे मेरे से। चलो स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है 300 BC के आसपास से, राइट। एक मैथमेटिशियन जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वो थे, वो एक मैथमेटिशियन बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, बीच में मार देता है यार, वो पाइथागोरस, राइट। तो होता क्या था कि पहले के जमाने में होता क्या था कि जब जो मैथमेटिशियन होते थे ना, उनको वैसा ही पूजा जाता था जैसे गॉड को पूजा जाता है, उनके फिलोसफी चलते थे। जैसे आजकल वो सब नहीं होते महात्मा महात्मा बन जाते हैं, आप कोई बाबा बाबा का नाम नहीं लूंगा, समझो कहीं भी किसी को भी ऑफेंसिव हो जाए उसमें मैं नहीं जाऊंगा ना, लेकिन कि उस तरह से पूजा जाता था। तो पाइथागोरस जो थे, तो उनका पाइथागोरियन एक पूरी कम्युनिटी थी कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल, पाइथागोरस के रूल को आपको फॉलो करना है, वो पूरा फॉलो होता था, राइट। उसी समय एक मैथमेटिशियन निकले जिनका नाम था इक्लूड, ना इक्लूडियन के भी मैथमेटिक्स वैसे ही पूजे गए, वैसे ही फॉलोअर्स बनते गए जैसे पाइथागोरस के, राइट। ऐसे ही सब कुछ चलता गया। तो पाइथागोरस इक्लूडियन ने 13 रूल्स दिए, 13 चैप्टर उन्होंने दिए, जो 13 चैप्टर में उन्होंने अलजेब्रा के बारे में एंड दूसरे और भी जो नंबर्स हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली, राइट। एंड इतने परफेक्ट था उसमें कुछ तो इतने परफेक्ट थे उनके जो मतलब उन्होंने जो लेमा दिया कह लो, या जो थ्योरम्स दिए, उस समय थ्योरम तो नहीं बोला जाए, वो लेमा वगैरह इतने अच्छे से उन्होंने दिया कि जिसमें एक था उनका डिवीजन एल्गोरिदम, इक्लूडियन डिवीजन एल्गोरिदम जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अगर सीबीएसई के आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट रहे हो तो, राइट। तो याद होगा कि उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी फैक्टर को, मतलब कोई भी नंबर जो दो नंबर्स हैं मान लो 17 एंड 5, कि अगर इसका जीसीडी 1 है, राइट, तो मैं हमेशा 17x प्लस 5y जो है उसको 1 लिख सकता हूँ,
आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसा जिससे 17x plus 5y जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी ही आएगी, अगर ये दोनों का जीसीडी 1 है तो। तो हमेशा थ्योरी है सर ये वाला, क्या चीज़ ये बता दो। हाँ, ये इक्लूडियन लेमा, दिस इज कॉल्ड इक्लूडियन लेमा। ये कैसे आता है वो भी आप बोलो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ये सब चीजें मेरा फेवरेट जगह पर है ये सब ना। 17 को आप लिख सकते हो सर, हाँ ये बेज़ूट्स लेमा हुआ ना, क्या ये बेज़ूट्स लेमा हुआ ना, हाँ तो 17 इज इक्वल टू 5। ये सब वर्ड यूज करोगे ना फालतू का, मेरे को अधिक टाइम लगवा देगी मैं थोड़ा सा वर्ड को अपने तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके काम कर रहा हूँ। 17 इज इक्वल टू 5 इनटू 3 प्लस 2 इज ओके, यस सर ठीक है। 5 को अब मैं लिख सकता हूँ 2 इनटू 4 प्लस 1 ओके, हाँ सर ठीक। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 इनटू 2 ओके, यस सर। जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, ध्यान से ये याद होगा 10th क्लास का आप लोगों ने जो किया होगा तब। सर राइट, अब इस 2 को मैं लिख सकता हूं, जो 2 है उसे लिख सकता हूं 17 माइनस 17 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 1 इक्वल टू 5 इंटू 7, 7 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 17 लिख सकता हूं। मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई 7, तो हमेशा आपको ऐसा रहेगा कि जीसीडी आपका 1 आ रहा हो, ठीक है। समझा, अब कोई इतना कहानी इतना बड़ा किया नहीं, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है अब उसको समझे। ये तो पहला ये जो चीज आपको समझना चाहिए, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है ये। हाँ, अब कॉन्ग्रेंस की कहानी सुनो राइट। ये एक बहुत बड़ा, एक कहा जाए तो मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा खोज था जो जिसको माना जाता है कि ये मतलब लाइकली टू बी इम्पॉसिबल होगा, जिस एज में गॉस ने किया था ये पूरा का पूरा वर्किंग उसके लिए। गॉस आप लोग सुने ही होंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में राइट। 24 ईयर के एज में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो फंडामेंटल और ये पूरी थ्योरी दी थी, एंड वो उस समय की बात हो रही है जिस समय बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन और बहुत सारे अच्छे मैथमेटिशियन वगैरह जो थे वो मतलब थे, एग्जिस्टेंस में थे राइट। तो गॉस ने कहा क्या कि कोई भी नंबर, और ये हाँ एक छोटा सा स्टोरी इसके पीछे था कि वह क्या कि एक बहुत छोटा सा प्लैनेट था, जो एक बॉडी था कह लो या प्लैनेट छोटा सा था जो सन के बहुत क्लोज है ना, सीजर्स करके, CERS सीजर्स करके उसका नाम था। अब वो पहले जब खोजा गया तो वो दिखा कि उसका एक पोजीशन था, लेकिन उस समय फिर देखने की जब कोशिश की गई उसको टेलीस्कोप से, तो टेलीस्कोप से वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि सन के इतना क्लोज था कि उसका पता ही नहीं चला था वो है कहाँ, तो वो गुम हो गया। अब ये गुम हो गया तो सभी लोगों में बड़ा ये हुआ कि वो गया कहाँ, कहाँ पर है, कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा। अब काफी अधिक ये डिस्कशन वगैरह चलना शुरू हुआ। उस समय गॉस ने क्या किया कि उन्होंने मैथमेटिकल पूरा मॉडल बनाया, फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला के बाद बताया कि ये वाली जो बॉडी है इतने दिन के बाद इस समय पर इसी पॉइंट पर दिखनी चाहिए। एंड मजेदार बात क्या है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ वो 41 डेज के बाद वो वहीं पर दिखा जहां पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया। एंड ये इतना बड़ा ये था, मतलब पूरे के पूरे यूरोप इसमें भिड़ी हुई थी कि किसी तरह से दिखे कि वो कहाँ पर है, और एक उस समय शायद वही 24 साल का एज था इनका ना, और उसी समय उन्होंने पटाख से ऐसा कहानी मारा कि उसके कहानी चेंज हो गई
याद होगा ये वाला बहुत जगह पर बहुत बार बात हुई है, 1 से 100 का सम। हाँ, उसको स्कूल में किसी ने, उनकी टीचर ने दिया था ना ये प्रॉब्लम। सेवन इयर्स थे बोला था ये, जब उन्होंने ये निकाला था। आपने बोला 7 साल का बंदा था, 7 साल का बंदा था जिसने ये पूरी की पूरी वर्किंग की थी। राइट, मतलब चाइल्ड प्रोडिजी जैसा ही था, जैसा नहीं था, 100% था। अगर बोला जाए ना तो चाइल्ड प्रोडिजी जो बोला जाता है ना, एग्जैक्टली इन्हीं के लिए वो है। अब शकुंतला देवी पे दिखा दे हम लोग मूवी में तो अलग बात है जो मैथमेटिक्स है। लेकिन हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ग्रेंस की। मतलब क्या होता, a इज इक्वल टू b मॉड m, राइट। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे को बताना पड़ेगा कुछ आगे की कहानी के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा जब आप किसी एक नंबर से n से डिवाइड कर रहे हो, तब तो रिमाइंडर जो बचेगा वो दोनों सेम तो नहीं बोल सकता, तो कॉन्ग्रेंस उसको यूज किया गया। जैसे मैं अगर ये बोलूं 3 इज कॉन्ग्रेंस टू 24 मॉड 7, राइट। तो ये कॉन्ग्रेंस होता है। तो कोई भी नंबर जो a होता है उसे हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, राइट। ये इक्लूडियन का जो फेमस लेमा था वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्यू एंड आर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और ए एंड बी के बीच में आप हमेशा रिलेशन दे देते हो। जब आर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तब आप बोलते हो कि जो एच सी एफ है ये दोनों नंबर का वो क्यू अपने आप में आ रहा है, राइट। ए और बी में जो भी बी आ रहा है वो दैट विल बी द एच सी एफ ऑफ द नंबर, राइट। ये कहानी होती है पूरी की पूरी वर्किंग के लिए, राइट। कोई कंफ्यूजन या डाउट? नो सर। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था बेटा। ये समझने का आपको ना, क्या समझने का है कि अगर मान लो मैं कोई भी नंबर आपको दे रहा हूँ, राइट, मान लो 85 लिख दिया, राइट। 85 किसके कॉन्ग्रेंस होगा? मॉड 10 के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ 85 इज कॉन्ग्रेंस टू 5 मॉड 10। So, वो ऊपर वाले में उल्टा होगा ना, 24 is congruent to 3 mod 10. A is equal to A congruence to B, same as B congruence to A mod n. ना? अब ओलंपियाड का एक मैं बैच लेता हूँ, राइट। तो कुछ लोगों के ब्रदर्स एंड सिस्टर भी उसमें हैं, तो आप उनके कॉपीज को फॉलो कर सकते हो। शायद मैंने ये उन लोगों के कॉपी में भी पढ़ाया होगा, राइट। ए इज इक्वल टू बी और बी कॉन्ग्रेंस टू ए मॉड एन के लिए, दोनों के लिए ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपके पास आ गई। एक तो ये आ गया आपके पास कि अगर ऑड नंबर है आपके पास, ऑड प्राइम नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो बचते जा रहे हैं। सेकेंड है, ये हमेशा ट्रू होगा ये नहीं है, वो हम लोगों ने देख लिया। अगर वो ऑड प्राइम नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड ए एक्स इज इक्वल टू 1 मॉड पी का मतलब है ए और पी का जी सी डी अगर 1 है तब के लिए ये पूरी कहानी मैंने कहा, राइट। तो ए और एक्स हमेशा एक 1 नंबर जो भी है वो हमेशा आपको मिल ही जाएगा, राइट। अब इसमें भी विल्सन का थ्योरम था वगैरह वगैरह वगैरह, कभी और आप लोग की जरूरत होगी कभी तो और बात कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। बट यहाँ तक जो हम लोगों ने बात की आई गेस सभी को सही है। कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को? एकदम दिखा सकते बेटा। जल्दी थोड़ा सा फास्ट एंड फास्ट। सर लिख लिया, हो गया।
लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों ने बोला था, मैं बोला था ठीक है बताऊंगा, हाँ तो आइए थोड़ा बात करते हैं उस बारे में। फिर उसमें वो ऑड प्राइम होगा ना वो? हाँ ऑड प्राइम वो क्वेश्चन में शायद नहीं छपा हो या जो भी है, वो क्वेश्चन में आईटी के क्वेश्चन में ऑड प्राइम ही दिया हुआ है। okay. एक टीपी मैट्रिक्स दिया हुआ है राइट है, उसी के अंदर आता है ए, व्हाट इज दिस, ये दिया हुआ है ए बी एंड सी ए राइट एंड ए बी सी बिलोंग्स टू जीरो से लेके पी माइनस वन तक है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था कि नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक राइट, या तो वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो वी नो दैट कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज या तो होगा या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा, या माइनस इधर रखो या उधर रखो, दोनों बातें एक ही होती है राइट। दोनों चीजें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा बात हो जाएगा राइट। अब अगर सब के सब नंबर जीरो ही मेरे पास हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक ही बात है राइट, एक नंबर तो वो निकल के बाहर ही चला गया। उसके अलावे जो भी हमारे पास होंगे राइट, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही केसेस के लिए राइट, वी नो दैट मॉड ए की जो वैल्यू है वो है बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी सी राइट, ए स्क्वायर माइनस बी सी राइट। बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए वी नो दैट बी और सी को इक्वल होना चाहिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसके फैक्टर दो हमारे पास आ रहे हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ना, इसे डिवाइड होना चाहिए, यही बोला था उसने कि डिविजिबल बाई पी होगा राइट। तो डिविजिबल बाई पी होगा तो ए इज इक्वल टू बी हो जाए या ए प्लस बी जीरो हो जाए, यही पॉसिबल है ठीक है ना। तो ए माइनस बी जीरो कितने तरीके से हो सकता है, अगर मैं नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ तो जीरो तो मैं ले ही चुका हूँ ना, पी माइनस वन। ए प्लस बी पी से डिविजिबल कब होगा, एक ख्याल रखते हुए बात को, तब की बात चल रही है जब ये जीरो में हटा चुका हूं, तब जब ये पूरा का पूरा वन से लेके पी माइनस वन तक के नंबर है, तो हमेशा देखो क्या क्या बनेगा, वन के साथ पी माइनस वन, टू के साथ पी माइनस टू राइट, हर एक एक क्योंकि मिनिमम ये जा सकता है टू और मैक्सिमम क्या जा सकता है टू पी माइनस टू, कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब मिला जुला के वो भी पी माइनस वन फैक्टर हुए, तो टोटल मेरे पास वन प्लस पी माइनस वन प्लस पी माइनस वन टू पी माइनस वन, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से फर्स्ट के लिए वर्किंग होनी चाहिए। यस सर ये हुआ था, वेरी गुड, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है राइट, ये होना भी चाहिए था राइट ना। बट कहानी तो आती है तब जब सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है राइट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ट्रेस ए, ट्रेस ए का मतलब क्या होता है, डायगनल एलिमेंट का सम, तो ट्रेस ए मतलब 2a हो गया राइट, 2a इज नॉट डिविजिबल बाय p, तो ऑब्वियस सी बात है 2a जब नॉट डिविजिबल बाय p की मैं बात कर रहा हूं तो a हमारे पास केवल जीरो ही तो हो सकता है, उसके अलावा तो और कोई जगह हो ही नहीं सकता, a जीरो होगा तभी ये डिविजिबल होगा राइट, मतलब a नॉट इक्वल टू जीरो, इज इट ओके, ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए मेरे पास जो भी रहेगा वो ए स्क्वायर, मतलब जो डिटरमिनेंट ए था ए स्क्वायर माइनस बी सी था राइट। कितना सिंपल है, कितना प्यारा है, ध्यान देना, ए नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं कितना सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो पी माइनस वन ऐसे सिलेक्शन हो सकते ठीक है, पी माइनस वन ऐसे सिलेक्शन हो सकते हैं जिसमें मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो केसेस पूरे के पूरे बनते जा रहे हैं, जो भी नंबर होगा उसमें मेरे पास आ गया ये राइट। अब जो हमारे पास कहानी है वो ये है
कि ए स्क्वायर माइनस बी सी क्या होना चाहिए इसे, डिविजिबल बाई पी, मतलब जो रेसिड्यू बचना चाहिए ए स्क्वायर का वही रेसिड्यू बचना चाहिए बी सी का, राइट। तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं कि ये कहानी जो हमने कही थी शुरुआत की, मैंने इसी के लिए कही थी कि मैं कोई भी इधर से p माइनस वन से कोई भी, एक जीरो तो है नहीं, p माइनस वन से एक उठाऊंगा, मान लो ये वन उठाया तो, और मुझे वन रेसिड्यू चाहिए तो वन मिलेगा, टू उठाया तो भी वन मिलने का है, वन एक बार मिलेगा, थ्री उठाया तब भी वन एक बार मिलेगा, फोर उठाया तब भी वन एक बार मिलेगा, फाइव उठाया तब भी वन एक बार मिलेगा। मतलब अगर मैं किसी भी p माइनस वन जो नंबर है उनमें से एक को पिक कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में 100% मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एग्जैक्टली वन ऐसे केस होंगे जिसमें मुझे आंसर आना चाहिए। मतलब सेकंड मेरा बहुत ही सिंपल p माइनस वन स्क्वायर जाना चाहिए। सर लास्ट वाला समझा नहीं, वो बॉक्स मल्टीप्लिकेशन से कहां कैसे किया ये मैं बोल रहा हूँ, इधर से कोई भी b, मान लेता हूँ ये b का नंबर है और ये c का नंबर है, राइट। मैं बोल रहा हूँ b के लिए कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा, कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकता है p माइनस वन तरीके से, यस सर। और एक फिक्स रेसिड्यू मुझे चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर करने के बाद जो भी मैं वन रखूं, टू रखूं, थ्री रखूं, फोर रखूं, फाइव रखूं, p माइनस वन रखूं, कोई ना कुछ रिमाइंडर बचा होगा। हाँ, और वो रिमाइंडर वन से लेके p माइनस वन के बीच का होगा। हाँ बोलो, वो रिमाइंडर वन से p माइनस वन के बीच का होगा। तो अगर मैं b को कोई भी p माइनस वन एलिमेंट में से एक सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं बोलो कुछ भी होगा रिमाइंडर, उसे आने के लिए c मेरे पास एक तरीके से हमेशा देगा। लेकिन ये कब ट्रू हो पा रहा है, जब मैं बोल रहा हूं कि वो प्राइम है, ऑड प्राइम है। अगर ये रहता फैक्टर हमारे पास निकल रहे होते तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे प्राइम होते हैं जो बदमाश प्राइम होते हैं, कुछ ऐसे प्राइम हैं जो बहुत ही मतलब खतरनाक वाले प्राइम होते हैं, जिनका जिनको हम लोग चाहते, मतलब कुछ तो प्राइम हो गए जो है ही फैक्टर वाले, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नहीं होने के बाद भी प्राइम जैसा ही बिहेवियर देते हैं, मालूम है, बड़े जबरदस्त से नंबर्स होते हैं और इतने खतरनाक से नंबर होते हैं वो वाले जो प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी वो प्राइम के जैसा बिहेवियर करने लगते हैं, दैट्स कॉल्ड द सुडो प्राइम्स। कार्डिनल 561 वन ऑफ द लाइक बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर और बहुत खतरनाक नंबर माना जाता है। उस ये बहुत सारे प्राइम की प्रॉपर्टीज को कंटेन किए हुए है बट ये प्राइम नहीं, बट चलो ये तो कहीं और भटक जाओगे आप। ये क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को, राइट। तो ये एक रेसिडुअल प्रॉब्लम था जिसके कारण हमने कहा कि मेरे को पी माइनस वन तरीके से ये मिल गया। थर्ड क्वेश्चन, राइट, थर्ड क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अब क्या था सर, मुझे एक सेकंड डाउट है सर, बोले ना प्लीज सर। अगर BC का हम लोग ऐसे देख रहे तो एक रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? BC का रिमाइंडर 1 बचेगा, मैं पहले A का स्क्वायर करूंगा ना, A मान लो 1 स्क्वायर है, ठीक है। B को मैं कोई भी नंबर 1 से लेके p-1 में 1 ले लिया, कोई भी नंबर दूंगा तो मैं बोल रहा हूँ हमेशा एक फिक्स मेरे पास होगा C की वैल्यू जिससे मुझे हमेशा रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। जैसे मैंने A को 2 सेलेक्ट किया तो ये 4 आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके p-1 तक का कोई भी नंबर लूंगा तो c को हमेशा एक मैं फिक्स करूंगा कि वो नंबर उसके लिए आ जाएगा। यहां से देखो सर, कंफ्यूज हो गया, समझा नहीं। पहले a आपने सेलेक्ट किया तो a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर का रिमाइंडर जो बचा वो 1 से लेके वन से लेके p-1 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर होगा। ये क्लियर है? हाँ सर, वो है, एकदम क्लियर है। तो वन से bc से फिर एक उसी, अब b से मैं कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया तो मैं बोल रहा हूँ c के पास एक ही तो ऑप्शन है। मान लो कि रिमाइंडर a स्क्वायर करने के बाद रिमाइंडर 1 आ गया ना,
मैंने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया, फोर कर लिया, फाइव कर लिया, सिक्स कर लिया, वन कोई भी किया, तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक नंबर जो हुआ उसके अगेंस्ट में वन टू वन ही तो मैप कर पा रहा है ये रिप्रेजेंटेशन। दिक्कत तो मेरे को तभी तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया था, ये दिक्कत आ रही है, इसमें पैटर्न ही नहीं है मेरे पास। हाँ, इसमें पैटर्न नहीं है क्योंकि नंबर सिक्स के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर था वो पूरी तरह ये पूरी तरह से नंबर जो है ये ऑड प्राइम के लिए जो उस पर हमने वर्क करा। इज इट ओके? हाँ, एक बार एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, क्या क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, सिर्फ ऑड नंबर आईआईटी के क्वेश्चन में दिया है, और वो जो नहीं दिया है ना उसी के लिए मैंने आपको बोला था वो नंबर होता 561। और फर्मा सुडो प्राइम जो है, फर्मा सुडो प्राइम फर्मा थ्योरम जानते होंगे आप लोग ना, फर्मा सुडो प्राइम इज 341। कभी मौका मिलेगा मैं डिस्कस करूंगा। फर्मा सुडो प्राइम मतलब फर्मा प्राइम वो 2:2, हां 2:2 वाले को सैटिस्फाई करेगा जो, और वो फर्मा का जो वो था ना थ्योरम और ए पी का जीसीडी वन होना चाहिए, तो कोई ऐसा ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं हो लेकिन फिर भी सेटिस्फाई कर रहा हो ये वाले प्रॉपर्टी को ए टू दावर पी माइनस वन कन्वर्जेंस टू वन, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट सुडो प्राइम या कारेमल नंबर, वही है 561। तो इसका फर्मा प्राइम से कोई रिलेशन है मतलब 2:2 नहीं, वो ऑड वो दिया था ना, वो प्राइम देना भूल गया था, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है वहां पे ना, ऑड के साथ भी वो प्राइम देना भूल गया था ना, तो वो मेरे को याद आ गया कि ऑड है और प्राइम ना हो तब भी ये हो सकता है, तो वो नंबर 1729 भी उसमें एक है। थर्ड नंबर 11 मैं भूल रहा हूँ शायद 1105 है शायद, अगर आप गूगल में टाइप करोगे तो शायद यू विल गेट दैट ना, परफेक्ट सुडो प्राइम या कारेमल नंबर करके टाइप करोगे ना तो आ जाएगा। 561 मिनिमम सुडो प्राइम था, हाँ सबसे छोटा सुडो प्राइम, सबसे छोटा। उस तरह के बहुत सारे मतलब अभी तक खोजा गया है, मिस कर रहा हूँ, बड़ा सा नंबर था वो, सबसे बड़ा नंबर अभी तक वही फाइंड किया गया है, 2 to the power 12 डिजिट का नंबर है। बाप रे, मतलब चाहते ना चाहते एक अच्छा सा ये था तो मैं बोला चलो डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, थर्ड वन आप खुद से ट्राई करो, वो जीरो का निकालना होगा, बस हो जाएगा बस वो तो। हाँ, थर्ड वन खुद से ट्राई करो आप लोग। सर हेलो सर, आप सुन सकते हो? सॉरी, सुन सकता हूँ बट एक छोटे सा डिवाइस चेंज कर रहा था इसलिए मैंने म्यूट करके रखा हुआ था अपने को। हाँ सुनाओ। एक मिनट। हाँ, वो विल्सन्स थ्योरम के प्रूफ से निकाला था बट उसके पहले ऑयलर्स थ्योरम के प्रूफ में भी तो वही था, ऑयलर्स टोशन फंक्शन में। चलो उसकी भी कहानी मैं रिकॉर्ड है ऑन है, चलो चलेगा इस काल क्लास, तो नहीं लोगों को देखना है ना।
आइलर की जितने भी ये वर्किंग जो है ना वो फर्मा और इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है ना, एज का काफी डिफरेंस रहा है। तो जब फर्मा ने ये पूरा का पूरा जब थ्योरम और सब कुछ उन्होंने दिया तो मतलब लोगों ने उनको वेटेज ही नहीं दिया, भाव ही नहीं डाला, राइट। जब आइलर आने के बाद में उन्होंने जब स्टार्टिंग किया पूरे को जब सॉल्व करके जितने जो फर्मा के पॉइंट्स थे जितने थ्योरम्स थे उनको रीसॉल्व किया, राइट, तब वो नजर में लोगों का आया कि बाप रे बाप कितना बड़ा काम करके ये आदमी चला गया, राइट। उसके पहले वो नजर में ही नहीं था। तो ये फर्मा के जितने भी थ्योरम्स है ना बाद में उनमें से काफी सारे को आइलर ने बाद में सभी को प्रूफ किया, बाद में सभी जितने भी उनके फंडामेंटल मतलब मेथड्स थे उन सब मेथड को उन्होंने लिखना शुरू किया। एंड क्या पता ऊपर वाले की क्या कहानी होती है, क्या रहता है, ये बोल पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन हेलो आवाज आ रही है? तो फर्मा थ्योरम पहले आया था फिर ऑयलर्स थ्योरम आया था, थ्योरम उसी को फिर उन्होंने डेडिकेट करते हुए सब का सब लिखना शुरू किया और उसमें बहुत सारे वर्किंग किया। ऑयलर्स जो थे वो एक एज के बाद में वो ब्लाइंड हो गए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, एंड वहां से उन्होंने केवल और केवल अपनी मेमोरी से सब चीजों को लिखना शुरू किया, राइट। और उसके बाद उन्होंने 700 से ऊपर पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए और वो 700 से ऊपर पेपर में हर एक जो उनका वर्किंग था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। ओके दिस इज स्टार्ट। हाँ थर्ड क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे अभी, तो जीरो का केस अलग से लेना है, उसके 2p-1 केसेस आएंगे तो हो गया है? जो लास्ट प्रॉब्लम था थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर हो गया थर्ड वाला, बस वही माइनस करना है सभी मतलब जो भी आ गया उसको। नहीं सर, एक एक्स्ट्रा जीरो वाला केस जो एक्सक्लूड किया था वो भी इंक्लूड करना है, उसके बाद फिर सबट्रैक्ट करना था तो आ जाता है आंसर। डन एवरीवन? जल्दी सर हमारा डिफरेंशिएशन कब खत्म होगा? हो जाएगा बेटा नेक्स्ट मतलब 2 वीक के अंदर अंदर। ओके
डन, क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट डिविजिबल बाई पी, राइट, पी विल नॉट डिवाइड मॉड ए, मॉड ए का मतलब ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी सी, डन केवल एक ही आवाज आ रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है, या तो मैं सोमदीप, गणेश, आदर्श, अमिताभ, आशीष, भूमिक, सभी केस, हाँ यस निनाद, यस आंसर देखो क्या आता है, बहुत ही प्यारा तरीके से आएगा, जो हमने दो क्वेश्चन पे काम किया वो थर्ड पे अप्लाई है, हो गया, वेरी गुड देवेश, दीप, हर्षवर्धन, मान्या, लवण्या, नेहा, निनाद, हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड लवण्या, वेरी गुड निनाद, फर्स्ट केस में आपने निकाल के क्या देखा था कि वो आ गया था 2p माइनस 1 केसेस, जो डिविजिबिलिटी नहीं, मतलब डिविजिबल वाले केसेस, राइट, दो केसेस आप पहले कर चुके, उन दोनों को अप्लाई करें, टोटल केसेस क्या है तो वो मैं लिख दूं पहले, टोटल केसेस है p टू द पावर 3,
सर आंसर बताइए ना, नहीं हो रहा होगा यार। आंसर बताऊं नहीं होगा कि सॉल्यूशन बताऊं? सॉल्यूशन मतलब। अच्छा आंसर हो गया सम्यक, वेरी गुड वेरी गुड। गणेश अभी तक नहीं आया, दो मिनट और ले लो बेटा, दो मिनट सबको करने दो फिर मैं बता देता हूँ ना। देखो सिंपल सा क्या है, जो गिवन कंडीशन है उन पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि नॉट डिविजिबल, डिविजिबल के केसेस आपने निकाल लिया है, टोटल केस आपके पास है, सब्ट्रैक्ट इट, पूरे केसेस को सब्ट्रैक्ट तो करो, देखो क्या आता है। हो गया, वेरी सरप्राइजिंगली आज अब दिखा देता हूँ। देखो 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 फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, कि सबसे पहला चीज तो यही है कि टोटल मेरे पास केसेस जो हैं वो हैं पी क्यू, आई गेस किसी को भी इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा राइट। सेकंड केस है जो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये रखा था कि ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाई पी, बट ये डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हमने निकाला ये केसेस हैं जिसमें ये डिविजिबल है राइट, डिविजिबल वाले केसेस ये रखा। थर्ड केस ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने यहाँ पर जो मिस किया था सेकंड केस में वो था जीरो वाला केस राइट, जीरो के केसेस को जो हमने मिस किया था, तो वो केस हमें लेना पड़ेगा। मुझे ए स्क्वायर माइनस बी सी राइट, यही मॉड ए है, इसको ए को अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो दिस विल बी माइनस ऑफ बी सी राइट। अब माइनस बी सी होने पर ऑब्वियस ही बात है ये डिविजिबल होने के लिए, क्योंकि बी और सी जो दोनों नंबर्स हैं वो जीरो से लेके पी माइनस वन के बीच में राइट। तो अगर ये पी माइनस वन के बीच का नंबर होगा राइट, तो बी इंटू सी कभी डिविजिबल नहीं होगा। पहली बात ये मैं बोल रहा हूँ, अगर बी और सी दोनों नंबर जो मेरे पास गिवन है ये अगर जीरो से, अगर जीरो को नहीं ले रहा हूँ मैं, बी और सी को मैं ले रहा हूँ वन से लेके पी माइनस वन के बीच में राइट। तो वन से पी माइनस वन के बीच में ले रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि बी इंटू सी जो है वो पी से कभी डिविजिबल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? यस सर। ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ हाँ सर। ये क्या ये प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ करके दिखाऊं या सही है? हाँ प्रूफ करके दिखाऊं या सही है? इट्स ओके okay? वैसे भी आप देख शुरुआत वाले आप याद कर सकते हो, वन से सिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रेसिड्यू जो बचा हुआ था वो वन से लेके पी माइनस वन के बीच बचा था, तो बी सी का भी जो होगा वो वन से लेके पी माइनस वन के बीच में होगा, तो कभी भी मुझे डिविजिबिलिटी वाले कोई केसेस तो इसमें मिलेंगे ही नहीं। मतलब साफ है कि मुझे मिल सकता है कब, जब बी जीरो हो और सी जीरो हो। बी जीरो होने का पी माइनस वन कंडीशन है, सी जीरो होने का भी पी माइनस वन कंडीशन है, अगर मैं दोनों को जीरो लेके, मतलब एक को तो मैंने जीरो रख ही दिया है तो दूसरे के लिए पी माइनस वन एंड ये। लेकिन एक और केस आ सकता है जब सबके सब जीरो हो जाए राइट। तो यहाँ पर से मेरे को मिला टू पी माइनस वन प्लस वन मीन्स टू पी माइनस वन राइट, ये सेकेंड एक मिला पी माइनस वन का होल स्क्वायर, दूसरा मिला टू पी माइनस वन राइट, एंड ये पूरा का पूरा मेरे पी क्यूब से माइनस हो जाना चाहिए। तो जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर है, जल्दी से निकाल के देखो तो क्या आ रहा है। पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर।
तो पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन प्लस टू पी माइनस वन. अरे वाह वाह क्या नंबर बैठा है. देखो तो पी स्क्वायर पी माइनस वन ऐसा ही कुछ होगा ऑप्शन. ये एक जगह है जिसको आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सा पोजीशन है. इसके अलावा ये वाले इसके अलावा आई डोंट थिंक. फिर भी आप देख लो कहीं पर आपको पूछना हो कुछ जानना चाह रहे हो कोई भी तो प्लीज आस डिस्कस करना चाह रहे हो तो प्लीज आस. एक क्वेश्चन या तो पैसेज होगा या मैट्रिक्स होगा हर साल एवरी ईयर यूल गेट फ्रॉम नंबर सिस्टम जो कि मैट्राइसिस के तरीके से देगा या कुछ और तरीके से देगा बट एवरी टाइम यूल गेट दिस. मजेदार बात यह क्या है अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये पूरा का पूरा नंबर थ्योरी लगाया हुआ विदाउट एनी फेल. कुछ पूछना चाहेंगे हो गया आगे बढ़े. यस सर. गणेश इट्स ओके. हाँ सर. सौम्या यस ठीक है सर बट नंबर थ्योरी अच्छे से आता नहीं है मुझे सर मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं वाला पार्ट तो. यार मतलब सही माने में आईटी भी नहीं बोलता है कि ये रहेगा नंबर थ्योरी देगा या समथिंग. हाँ ये चीजों के लिए भी बहुत ही खतरनाक टाइप के प्रूविंग होते हैं. ये जो गिवन है ना इसके लिए भी बहुत प्रूविंग बड़ा जाता है सर. लेकिन अगर हर साल पूछने का चांसेस है तो फिर आप कभी बाद में नंबर थ्योरी का जितना भी जरूरी है वो पढ़ा सकते हो क्या. पढ़ा दूंगा. अब इट्स ब्यूटीफुल मतलब अलग दुनिया है पूरी. मतलब आई गेस मैं कभी बात नहीं कर पाता वो क्योंकि ओलंपियाड का एकदम अलग होता है. तो आई गेस आइडिया लग गया होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही आइडिया लग गया होगा कि ये अलग ही दुनिया है क्योंकि इसके अलग ही कहानी चलती है. बट इट्स ब्यूटीफुल. और क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन में केवल और केवल एक चीज लगा था वो था जो हम लोगों ने शुरू के चार्ट बनाए थे ए स्क्वायर माइनस बी सी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो पर इसका जो रिमाइंडर आ रहा था और इसका जो रिमाइंडर आ रहा था कभी ना कभी वो सेम होंगे. ये प्रूविंग हम लोगों को देना ही केवल हमारे लिए था. उसके अलावा तो सब कुछ सिंपल ठीक है. गुड फास्ट. हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूँ. राइट लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था याद होगा. एवरीवन सेटल डाउन प्लीज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था हाँ हम लोग बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की याद है ना. टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे थे उस पर हम लोगों ने कुछ थ्योरी किया था और ट्रिगोनल के क्वेश्चन भी हमने किए थे एंड उस पर हम लोग एक वर्किंग हम लोगों ने लगाई थी कि कैसे हम लोगों के नंबर्स जो होते हैं उसको प्रूविंग करना होता है या जो एक वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू इक्वल टू वन बाई बी वन वन बाई बी टू वाले केसेस जो होते हैं वो केसेस को कैसे यूज कर सकते हैं. राइट दिल्ली से स्विच कर जाओ वहां पर सभी लोग. तो टेंजेंट नॉर्मल में कुछ और लेंथ वगैरह की बातें होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल वगैरह
तो भी इम्पोर्टेंट रह जाता है हमारे लिए. यू हैव टू लाइक एक थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कुछ उस पर वर्क. मान लेता हूँ ये एक टेंजेंट है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है और दूसरा ये नॉर्मल इसकी बात हो रही है. राइट, दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 90 ऑब्वियसली. ये अगर मैं एक्स कमा वाई नाम दे रहा हूँ इसे तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि ये लेंथ जो है वो वाई या एक्स वन वाई वन दे रहा हूँ नाम को एक्स वन वाई वन कर दिया तो ये वाई वन. एंगल वी नो दैट अगर इसे टेंजेंट है इसका एक्यूट एंगल को मैंने पाई नाम दे दिया. राइट, मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है, ये टी है, ये नाम दे दिया एम है, ये जी जो यूजुअल नाम होता है. राइट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पी टी की बात हो रही है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू एम ई इन टू बाई साइन साई. और अगर मैं इफ आई नो कि कॉसेक साई लिख के उसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1+1 बाई टेन स्क्वायर साइन. राइट, जो एम पी राइट मतलब वाई वन अंडर रूट ऑफ 1+dx बाई डी वाई द होल स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. No done, please. सर लिख लिया. सर दो मिनट. क्या बात है सुप्रीत, कमाल, बहुत पास पास आज कर रहा है, क्या बात है. लेंथ ऑफ टेंजेंट राइट, एक बहुत अच्छी टर्मोलॉजी यूज की जाती है इसके साथ में, वो होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, पहले सब टेंजेंट की बात करते हैं फिर उस पर आएंगे. सब टेंजेंट राइट, तो टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होता है ऑन एक्सिस मतलब ये वाले दिख रहा है ना. राइट, टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होता है दैट्स नोन एज सब टेंजेंट. यहीं पर लिख देता हूँ. राइट, सब टेंजेंट जो लेंथ हमारे पास आता है या सब टेंजेंट की बात होती है वो ई एम इज इक्वल्स टू एम पी कॉट फाई. राइट, साई के बाद में एम पी मीन्स वाई वन बाई डी वाई बाई डी एक्स. इसे भी आप नोट कर लें प्लीज. सब टेंजेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन तक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो अगली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा यही सब लगा सकते हैं. 100% बहुत सिंपल हो जाता है. अभी मैं करवाऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा. नेक्स्ट वीक तक में हमारा ये खत्म हो जाएगा. मेन बचा हुआ है रॉल्स एंड एलएमवीटी एंड मैक्सिमम मिनिमम. Done.
हाँ सर सब टेंजेंट राइट सब टेंजेंट हो गया एंड टेंजेंट हो गया ये टेंजेंट ये वाला था राइट सब टेंजेंट हो गया नेक्स्ट इज नॉर्मल एंड सब नॉर्मल ये नॉर्मल है राइट और ये सब नॉर्मल राइट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल ये दोनों भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक ये बन के रहता है हमारे पास राइट तो नॉर्मल का लेंथ एंड सब नॉर्मल का लेंथ यहीं पर लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो राइट नॉर्मल मतलब कि जी पी का लेंथ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सेक इस बार आएगा तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर राइट एंड सिमिलरली सब ये नॉर्मल है ना लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल ना हो सकता है आपको ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है चलेगा ना याद ना रहे चलेगा बट इसलिए मैं प्रूविंग करके दिखाया हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप आराम से निकाल लो इसे दिस एम जी इज सब नॉर्मल दिस वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स राइट सब मॉड में रखना लेंथ है ख्याल रखना Okay, done. Hopefully, everyone. Now, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से टेंजेंट एट पी ऑन द कर्व y square is equal to x cube. Meets the curve again at Q. Find slope of OP upon OQ, where O is the origin. A straight line which is or are jo bhi tangents at a point and normal at another point of the curve x is equal to 3t square y is equal to 3t cube right इम्पॉर्टेंट है टेक योर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में एम क्या है वो एमओपी में स्लोप स्लोप ऑफ ओपी बाय स्लोप ऑफ ओक्यू हाँ
Done. Very good. Very good. कैलकुलेशन चेक करो बेटा. लुक एट फर्स्ट वन ना, पहले वाले को देखता हूं. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. राइट अगर मैंने टी स्क्वायर टी वन स्क्वायर लिया तो टी वन क्यूब हो जाएगा. राइट इस पॉइंट पर मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि ये टेंजेंट है और सेकंड पॉइंट जहाँ पर है जहाँ पर नॉर्मल बन रहा होगा. राइट पी पॉइंट इसे ज़ूम करता हूँ क्यूब पॉइंट कर लिया टी टू स्क्वायर कॉमा टी टू क्यूब. राइट तो फॉर curve at the point P, the tangent point, is 2y dy by dx is equal to 3x square. So dy by dx is nothing but 3x square, means t1 to the power 6 upon 2, y1 is t1 cube. Right? स्क्वायर फोर चला गया तो ये बच गया थ्री बाई टू टी वन. राइट ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. लेकिन यही दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल भी हो रहा है उसकी बात चल रही है. राइट पी क्यू पॉइंट दोनों मीट करेगा एक पॉइंट पर. तो पी क्यू पॉइंट पर टेंजेंट एट पी मीट द कर्व अगेन एट क्यू. राइट दूसरी तरफ से स्लोप अगर मैं निकाल लूँ तो टी टू क्यूब माइनस टी वन क्यूब अपॉन टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर is equals to 3 by 2 t1. Right? So solve kar leta hun. Solve karne par what we are getting? t2 minus t1 to t2 square plus t1 t2 plus t1 square upon t2 minus t1 gaya to t1 plus t2. So 3 by 2 t1 plus t2 into t1. स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन जो लिख रहे हो वो नहीं आ रहा. ये ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा क्या? ये अच्छा अब आया सर. अब आया टाइम था. ओके तो 2 t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 प्लस 2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 t1 स्क्वायर प्लस 3 t1 t2. राइट ये जाएगा कैंसलम इसके साथ. ये जाएगा कैंसलम इसके साथ. मैंने 2 को कैंसिल कर दिया वहां से. टी टू स्क्वायर वहां पर है टी वन कैंसिल हो गया. राइट व्हाट वी आर गेटिंग 2 टी टू स्क्वायर माइनस टी वन टी टू माइनस टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अपने आप यहाँ पर से दो रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं जो आ रहे हैं मेरे पास 2t2 minus t1 and t2 minus t1. ये गया प्लस इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली t1 इज इक्वल टू t2 तो मेरे पास नो यूज ऑफ दिस साइड. दूसरा मेरे पास t1 और t2 का रिलेशन जो आ रहा है तो t2 इज इक्वल टू माइनस t1 by 2. Right. So point मेरे पास क्या क्या आ गया? तो t2 by t1 ही अगर मैं रखूं, this is nothing but minus 2, but t1 by t2 मुझे निकालना था.
it's minus two only. Minus two are answer. देख लें एक बार. अब कोई खास मैंने काम किया नहीं, जो भी उसने बोला बस पॉइंट मैंने अपने तरीके से एक पैरामेट्रिक पॉइंट सेलेक्ट किया, जो सेलेक्ट करना आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस कि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया. एवरीवन गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. आप लोग सॉल्व करोगे ना, इस तरह का काफी बार क्वेश्चन आईआईटी बना चुका है, इसलिए योर टर्न. Solve it. T1 और T2 दोनों एक ही पॉइंट नहीं हो सकते ना.
विरांत वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। दिस इज स्टार्ट ना, लिखता हूँ। Find the equation of a straight line which is tangent at a point and normal at another point. Right? करीब करीब सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन इस बार इक्वेशन में थोड़े से चेंज आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। फिर से हमने वही वर्किंग रखी है अपनी, स्टार्टिंग वहीं से रखा हमने, राइट। इट्स गिवन x is equal to 3t square and y is equal to 3t cube. So dy by dx with respect to t we can differentiate. This will be 9 and 6. So this will be 6t. Right? dy by dt is 1 upon 6t ho jayega. So we can write this as dx by dt and dy. So dy by dx गंदा सा नंबर आ जाएगा. dy by dx is 9t upon 6 t cancel 3 by 2. Something like this, right? So फिर से नहीं दिख रहा है। हाँ? So जो बोर्ड पे लिखते वो नहीं आते हैं। मतलब आज तक कभी दिखा ही नहीं? अभी आज तक लिखा? सर आ गया। Three t square and y is equal to 3t cube. Dy by dx निकाल दिया, 3/2t आ गया। राइट, एंड t1 t2 का रिलेशन ही मुझे को एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो वी नो दैट कि अगर मैंने एक को यहाँ t1 एज्यूम किया हुआ है तो सेकंड वन t2 मेरे पास आ जाएगा। दिस विल बी 3 t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन 3 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 t1। कैंसिल, दोनों तरफ से कैंसिल हुआ। t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू 2। तेरे पे सेम क्वेश्चन हो गया नहीं, t1 स्क्वायर प्लस 3 t1 t2, राइट। कैंसिल किया, ये आ गया t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस 2 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t1 प्लस 2 t2 t1 minus t2 is equal to 0. t1 t2 का एक relation establish हो गया आपके पास। t2 is equal to t2 by t1 minus half. Right? T1 and T2 का एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। पहले यहां तक कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन ये हो गया। सेकंड रिलेशन क्या गिवन है? बोल रहा है टेंजेंट एट वन पॉइंट नॉर्मल एट दिस पॉइंट, राइट। क्या मतलब हुआ इसका? टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट है और इस पर ये नॉर्मल है, मतलब यहां भी एक टेंजेंट होगा तो उसके परपेंडिकुलर होगा ये, राइट।
तो ये जो स्लोप इसका होगा और इसका जो स्लोप होगा, ये दोनों का स्लोप जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए, राइट। हमने स्लोप निकाल के पहले ही रखा हुआ था, जो स्लोप है पॉइंट का वो है इसके लिए 3/2 t1 है, और यहाँ के लिए जो स्लोप है वो है 3/2 t2, राइट। तो ये एक लाइन गया और ये दूसरा लाइन गया, दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन, राइट। तो ये पहला रिलेशन t1 t2 का, ये दूसरा रिलेशन t1 t2 का। आई गेस सभी के पास आ गया होगा t1 एंड t2 की वैल्यू आ गया, इज इट ओके। t1 t2 की वैल्यू आने का मतलब है कि आपको स्लोप भी आ गया एज वेल एज जो दो पॉइंट निकालने हैं वो पॉइंट भी आ गया। यू नो हाउ टू गेट द सॉल्यूशन, इज इट ओके। यस सर। ना ये इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। काफी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। याद होगा एक क्वेश्चन, अगर पहले याद हो आपको, तो हम लोगों ने एक ये थ्योरी पढ़ी थी, देखिए किसको याद है। एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, यहां पर कोई पॉइंट पी पॉइंट ले लिया, इसमें पी ए पी बी पी सी, राइट। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 120 डिग्री वाले कंडीशन मिनिमम होगा। क्या था ये, क्या नाम था इसका? फर्मेट पॉइंट, हाँ फर्मा बोलते हैं, फर्मेट जो भी प्रॉपर नाम है। तो ये मिनिमम होने के लिए पी पॉइंट तो 120 120 120 याद है ना। तो ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक बहुत अच्छा जगह बनता है जब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। कैसे? अगर दो कर्व, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व मैं पढ़ा रहा हूं आपको ना, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व क्या होगा, कैसा होगा, ये देखो। अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। दो कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि जीरो आ गई, तो वहां क्या सॉल्व करें, क्यों सॉल्व करें। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना हो और ये मुझे मालूम हो कि दोनों कर्व जो है, दोनों एक ये कर्व है मान लेता हूँ और दूसरा कर्व जो है वो कुछ ऐसा है, राइट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का सबसे प्यारा सा सुंदर सा तरीका क्या है कि यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन हमने लिया, राइट, और अगर मैं ऐसा पॉसिबल टेंजेंट लाइन एक और ड्रॉ कर पा रहा हूं इसके पैरेलल, राइट, तो जहां पर ये ड्रॉ कर पा रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहीं पर कहीं होगा, राइट। ये दोनों टेंजेंट जो होंगे वो पैरेलल होने चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व की बात हो रही है। कॉमन नॉर्मल जो होता है ना, दिस लाइन इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। तो पैरेलल टेंजेंट्स का एग्जिस्टेंस ही वो कंडीशन हो गया। हाँ, तो कॉमन नॉर्मल, अगर जो कॉमन नॉर्मल है वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। कॉमन नॉर्मल जो है वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने कर्व के साथ एक लाइन ही रखा y = x - 2 एंड कर्व इज y = x² + 3x + 2, राइट, 1 2 पर कट करता हुआ, -1 -2 पर कट करता हुआ, राइट, कर्व हमने ये रखा, ये कोई लाइन ये वाली, राइट। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये रहा कि मुझे एक ऐसा लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, राइट,
यहाँ पर ये कॉमन नॉर्मल वो पारा होगा क्योंकि लाइन का परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ही रहेगा। अगर ऐसा पॉसिबल कर पाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। इसका स्लोप साफ दिखाई दे रहा है वन है, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप जो होगा वो माइनस वन होगा, राइट। तो ये एक लाइन है और ये मेरे पास कर्व है जो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं। मान लेता हूँ यहाँ पर जो पॉइंट है वही मेरा पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो डीवाई बाई डी एक्स मैं करूंगा फॉर द कर्व दिस, राइट। तो दिस इज टू एक्स वन प्लस थ्री, याद होगा बिना गिवन पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। इसका डीवाई बाई डी एक्स जो है, इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप भी सेम होना चाहिए जो कि सिंपल सा वन दिया हुआ है, मतलब एक्स वन की वैल्यू आ गई माइनस वन, राइट। एक्स वन माइनस वन आ गया, पुट कर देता हूँ एक्स वन राइट कर्व पे माइनस वन है तो ऑब्वियस सी बात है यही इसका रूट ही था, तो वाई वन की वैल्यू जीरो आ गई, राइट। अब ये जो पॉइंट आपके पास आ गया माइनस वन कॉमा जीरो, इसी से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज इट ओके? यस सर, नोट कर लें प्लीज। दिखाई तो दे रहा है सभी को ना? हाँ सर। आशीष? यस सर, नोट कर लो। क्या बोल रहे सर, कोई डाउट? कोई डाउट है तो कुछ नहीं, वो कर्व क्या है? हाइपरबोला। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व हाइपरबोला व्हिच इज नियरेस्ट टू दिस।
यस सर सर वो 72 है या 12 है जो मन रखते कैसा लग रहा तेरे को सर दोनों हो सकते हैं वो दोनों मतलब आज दिन कौन सा है संडे सर संडे तो 7 से डिविजिबल से 2 बचेगा सर 72 ही ले लो सर संडे तो 7 डे होता है ना हाँ तो सर और दो लोग बात कर रहे हैं तो 7 उसका आया और दो लोग बात कर रहे हैं उसका 2 आया तो 72 हुआ ना अब लॉजिक मत खोज लिख ले हाँ सर सही बोला बहुत दिनों के बाद ये वाली आवाज सुनाई दी है अरे सौम्यदीप सौम्यदीप यस सर कल दौड़ा कि नहीं 15 अगस्त में सर कल तो अवार्ड सेरेमनी अवार्ड क्या चीज का सर एनटीएसी का अवार्ड सेरेमनी अरे कल नहीं दौड़ पाया नहीं सर ओह शिट कल मैं भागा मैं कल किया करीब 12-13 किलोमीटर कल भागा डन थोड़ा फास्ट करो इसे सिंपल है Fast, do it fast. सर मुझे मल्टीपल पॉइंट है और उसमें से देखो दोनों में से मिनिमम किसके आ रहा है दोनों से सेम आ रहा है या नहीं क्योंकि है हाइपरबोला तो सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए दोनों से सेम आना चाहिए ये बहुत अच्छी थ्योरी है एकदम ख्याल रखोगे सभी लोग हाँ नहीं तो बहुत बड़ा ये अपने को एंड इस क्वेश्चन को दिया था एक बार पुटनम ने मेरे को अब यार याद नहीं है वो दिखाता हूँ उसको देने का स्टाइल देखना मतलब बोलोगे वाव ये हुई ना बात ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते आओ देख लेते हैं यार इतना टाइम लेने का नहीं था जबरदस्ती का आप लोग टाइम अधिक ले लिए हो गया डीवाई बाई डी एक्स निकाला तो 6x1 - 8y1 डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 राइट तो डीवाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज नथिंग बट 3 x1 by 4 y1 that must be equal to dy by dx दोनों के सेम होने चाहिए तो
right? dy by dx इसका आ रहा है -3/2 right? तो एक relation तो मेरे को यहाँ से मिल गया x1 y1 का, b cancel out, 2 cancel out, x1 y1 -2y1 right? First relation and x1 y1 point is on the curve. Curve मेरे पास है 3x1 square minus 4y1 square is equal to 7272. ये दोनों से x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी. 2 रख दिया, 4y1 square 12 minus 8y1 square is equal to 72. y1 is plus minus 3. सही बोल रहा था, दो पॉइंट आएंगे. y1 plus minus 3 है तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 minus 3 और minus 6 and 3. ये दो पॉइंट आ गए. यस, तो मैं भी सही बार बोला था कि सिमेट्रिक मिल रहा है, मतलब साफ है कि ग्राफ जो बन रहा होगा, कोई भी हाइपरबोला मेरे पास हो रहा हो, उसमें अच्छी बात क्या है, अगर ये लाइन होगा, एक इधर से जा रहा होगा मेरा परपेंडिकुलर, तो एक कहीं इधर से जा रहा होगा, दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए. सर मुझे एक ही पॉइंट आया. हट, ये कैसे आएगा, स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो दो ये आए तो, बट सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला लाइन से तो -6.3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम आता है ना. दोनों का सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक आना तो चाहिए यार. एक बार करके देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है शायद, करके देखता हूँ अभी. एक पॉइंट है -6.3, एक -6.3 और इक्वेशन मेरे पास है 3x plus 2y plus 1 is equal to 0, 6, minus 3. 18 minus 12, 6 plus 1, 11 upon under root of 13. 11 upon under root 13 आया इससे, ठीक है. Minus 6 plus 1, वो 13 वाला. सर वो 13 हो जाएगा ना. है? 18 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 1, सही तो आ रहा है सर, इससे 11 आ रहा है ना. 11 आ रहा है तो सर एक ही पॉइंट है. तो ग्राफ सिमेट्रिक, मतलब वो लाइन सिमेट्रिक नहीं है ना. नहीं, हां स्लोप है ना इसका, स्लोप के कारण वो सिमेट्रिसिटी नहीं है, दूर भाग गई. ठीक है, तो दोनों में से कौन सा छोटा है? माइनस 6 कौन जो छोटा है वही होगा ना. ओके डन एवरीवन. Now, एक क्वेश्चन को देने का तरीका और थोड़ा सा चेंज करते हुए रखता हूं ध्यान से. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 minus x1 into 17 minus x2. Into x2 minus 30. The whole square. F of x1, x2. मतलब एक relation को जो दिया हुआ है यहाँ पर, ना? एक relation को ये establish किया हुआ है. Right. F x1 x2 को दिया हुआ है x1 minus x2 the whole square and blah 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 blah. ना कंडीशन आपको साथ में दी हुई है जिससे आपको थोड़ी दिक्कत ना पड़े अधिक. तो x1 belongs to 0 to infinity positive number and x2 belongs to 13 to 17.
आप ट्राई करना चाहोगे या मैं कूद पढ़ू? दिख तो रहा है? 2 मिनट सर। Mute yourself, please. Sir, आगे आई कांसर. सर एक आंसर भेजा है सर चैट में. एक मिनट बेटा. Vinny is very good.
डन एवरीवन पास 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 सर एक हाँ आ रहा है क्या आ रहा है एक लिनियर इक्वेशन आ रहा है x1 x2 में लिनियर नहीं आना चाहिए तो दोनों का ग्राफ बना के देखो तो मैं करूं लिनियर नहीं सर जस्ट तुमने लिनियर नहीं है बट एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही एक रेंज ऑफ वैल्यूज है नहीं डिस्टेंस तो एक ही होगा ना हाँ सर मैं चेक कर तो भेजा है हिंट लो पहले क्वेश्चन का प्रति वेरी गुड सब में वेरी गुड तो है लेकिन कुछ बड़ा अजीब सा तुमने लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दे तुमने लिख के जो भेजा है वो क्या लिखा है Look into this. ध्यान से देखना हाँ ये है
ये है y1, ये है y2. ध्यान से देखो तो ये हो गया एक डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. y1 का मतलब हो गया या y का मतलब हो गया x स्क्वायर बाई 20. सिमिलरली जो मेरा y2 है उसका मतलब हो गया राइट y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या क्या रहा भाई 17 माइनस 13 4 x2 राइट थोड़ा सिंपलीफाई करके वो सर्कल का इक्वेशन जैसा बन जाता है दूसरा. हाँ ये हो गया ना बात माइनस x2 स्क्वायर राइट माइनस कुछ ऐसा आ रहा होगा सर 30x2 और 221 आ 17 प्लस 13 हो गया ना तो ये आ गया 30k राइट सर वो माइनस 211 नहीं माइनस 221 है सर. हाँ सर नहीं ये राइट कुछ ऐसा मतलब ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 इज इक्वल टू 0. हाँ सर राइट ये है x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम 2 स्क्वायर सही है. मतलब ये रहा कि मेरे पास है एक पैराबोला और दूसरा है सर्कल. हाँ सर्कल का सेंटर ये करते हुए कहीं यहाँ पर ये सर्कल बना राइट. अब यहाँ पर जो एक मैं टेंजेंट लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ टेंजेंट लाइन मैं बोलूंगा यही जो को नॉर्मल मेरा बन रहा है राइट. ये को नॉर्मल दोनों पर जो टेंजेंट है वही मेरा आंसर होगा. एंड अच्छी बात क्या है वी नो दैट क्योंकि ये सर्कल है जो को नॉर्मल है वो 15.0 से पास करेगा राइट. तो एक सबसे अच्छा तरीका आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो यार यहाँ पर तो y = mx - 2m - am क्यूब लगा दिया उसको 15.0 से पास कर दिया m की वैल्यू आ गई या आप ये x लगा दो जैसा आप चाहो. इज इट ओके ये ध्यान दे रहे हो देखो क्वेश्चन देने का कितना प्यारा तरीका है. वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितनी कहानी आपको छुपा दिया वो पता ही नहीं चला. इज इट ओके एवरीवन. यस सर. कुछ पूछना तो नहीं चाहोगे ठीक है. एक अगर याद हो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी उसका कैलकुलस का प्रूविंग बहुत प्यारा सा होता है. हाइपरबोला एंड इलिप्स ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं अगर वो सेम फोकाई के साथ बने. याद है ना. प्रूव दैट मैंने सीधा एक जनरलाइज केस दे दिया. प्रूव दैट दिस एंड दिस कर्व कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली. सर वो सेकंड कर्व में नीचे k2 स्क्वायर है क्या. नहीं बेटा वो भी वही है स्क्वायर नहीं है विदाउट स्क्वायर.
fast, do it fast, do it fast. हो गया सर. वेरी गुड. जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. याद है ना प्रॉपर्टी लिखवाई भी थी ना, एक इलिप्स था, हाइपरबोला था, राइट. सेम फोकस को लेते हुए हम लोगों ने बनाया था. तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे. उसी का ये फॉर्मूला भी आपको लिखाया था, मैंने बोला भी होगा शायद कि कैलकुलस में देखना पता चलेगा, बड़ा आराम से प्रूविंग हो जाती है. दोनों का डी वाई बाई डी एक्स निकालें अल्फा कॉमा बीटा पर. एंड मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसका कॉन्स्टेंट जो वन है उसको उड़ा डालें, दोनों को माइनस करें, जीरो हो गया, अल्फा बीटा बैठा लें, वहां से आपको अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर आ जाएगा. जो डी वाई बाई डी एक्स निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करें, देखें अपने आप झमाझम आपका आंसर भी रहेगा. जी 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 Okay, done. Yes, sir. Aziz? Haan, sir. Hua? Haan, sir. ठीक है? Sir, 2 minutes. थोड़ा सा fast, please. मेरे को दो चीज. Very good, Vedan. हाँ सर, हो गया. एकदम सिंपल सी बात है ना, अगर नहीं हुआ हो थोड़ा कैलकुलेशन अपना चेक करें. राइट. एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, राइट, जिसको मैं मतलब थ्योरी भी है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही दे रहा हूँ. प्रूव दैट द इक्वेशन of the tangents at a point x y 1, एक मिनट बेटा अभी दिखाई भी देगा ना, on the curve x to the power m upon a to the power m y to the power m upon b to the power m is equal to 1. रिपीट कर सकते हैं? एकदम करूंगा बेटा. दिखाई दे रहा है अब? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे टेंशन्स का फॉर्मूला यही था ना? हाँ 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 हाँ, वही 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 करवा रहा हूँ. प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 on the curve x to the power m by a to the power m plus y to the power m by b to the power m is equal to 1 is x x1 to the power m minus 1. ये जितने भी क्वेश्चन वहां पर हमने किए थे ना एक्चुअल में वो थे यहाँ के, तो वहां पर तो वो बड़ा गंदा चला जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ेगा आपको. राइट. या हो गया. वेरी गुड.
71 हो गया। वेरी गुड। मैं करूं या ठीक है? डन। हाँ सर, हो गया। हो गया सभी का। आगे बढ़ सकता हूं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आप देख लें। इफ द टेंजेंट एट द डन if tangent at the point x1 y1 to the curve x cube plus y cube is equal to a cube meets the curve again in x2 y2, then prove that. So very 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 question. x2 by x1 plus y2 by y1 is equal to -1. Huh? The answer. बुकलेट से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग, राइट? इसके पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे बुकलेट से। नेक्स्ट क्लास में विल डू एप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा, राइट? सर अभी बुकलेट पूरा सॉल्व हो जाएगा? हाँ, इसके सॉल्व हो जाएंगे बेटा, जो अभी पढ़ाया। ये दोनों मोनोटोनसिटी के भी सॉल्व हो जाएंगे, इसके भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट? राइट right? उसके बाद कॉन्केविटी, ये दो तीन चीजें करेंगे और उसके बाद आएगा रॉल्स एंड एलम्बिटी। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक।
very good Austin. Done. एक सेकंड. प्यारा अरेंजमेंट है नंबर का. हो गया. वेरी गुड सर. हो गया. वेरी गुड. मैंने कुछ लोगों को बोला था सबमिट करने के लिए दिल्ली के अपने वर्क. हाँ, दो दिन जोश, तीसरे दिन फोर्स. ऐसे कहानी कैसे चलेगी. सर नहीं हुआ, बता दो ना. नहीं हुआ क्या कह रहे हो? किसका हो गया? हो गया. मेरा हो गया. चलो बताओ कैसे. फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, फिर रीअरेंज किया तो हो गया. हाँ सर. नो, टेंजेंट का इक्वेशन भी नहीं लिखा मेरे ख्याल से. टेंजेंट का स्लोप लिखा और दूसरी बार स्लोप लिया, दोनों x1 y1 x2 y2 कर्व पे रखा, दोनों को माइनस किया, x2² / y2² की वैल्यू को रीअरेंज कर दिया. यही ना? वही किया. हाँ सर. सर मैनिपुलेट ही करना है. मैनिपुलेट करना, सिंपल मैनिपुलेशन. मतलब पर हाँ ट्राई किया बट हुआ नहीं. यही किया था. एक बार और लगाओ कोशिश. सब लोग कोशिश लगा के ये रखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ऑब्वियसली. राइट सर. टेस्ट में मैट्रिसेस आ रहा है आएगा ना बेटा? मैट्रिसेस रहेगा. ये वाला क्वेश्चन जो आज किया वो भी रहेगा. होमवर्क क्या है? एक बार कंप्लीट करें ये पूरा AOD.